हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट बनाने के लिए आज के समय में क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध है और उन ऑप्शंस में वो कौन सी बेस्ट ऑप्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक हाई क्वालिटी एंड प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्च इंजन पे ये सर्च करेंगे कि ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट कैसे बनाएं या हाउ टू क्रिएट ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट और क्रिएट अ ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट, आपके सामने बहुत सी ऑप्शन निकल के आएगी। बहुत सी ऐसी ऑप्शंस होगी जहां पर और सजेशंस होगी जहां आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से वेबसाइट बनाएं, ये बनाएं। और इस तरह से जो विकल्प क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के कारण, ऐसे में एक ट्रैवल एजेंसी ओनर्स के लिए जो कि लेस टेक्निकल है और हो सकता है टेक्निकल भी हो, किसी के लिए भी ये डिसाइड करना कि कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा टेक्नोलॉजी बेस्ट है कि ट्रैवल एजेंसी का वेबसाइट बनाने के लिए, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इस पे ये भी निर्भर करता है कि पर्पस क्या है ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट बनाने का, क्योंकि खाली दिखाने के लिए ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट बनाना या ट्रैवल एजेंसी है तो वेबसाइट होना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। ट्रैवल एजेंसी के लिए वेबसाइट होने का मतलब है अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना, फ्री या पेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक हासिल करना। अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसको, उस ट्रैफिक को लैंडिंग पेज तक लाना, जो पोटेंशियल ट्रैवलर्स है या जो गेस्ट है या जो कस्टमर है उनको, उनका बुकिंग हासिल करना, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हासिल करना, और आपकी क्या एक्सपीरियंसेस है ट्रैवल में, जो पास्ट क्लाइंट्स जो घूमे हैं, जो आपके साथ ट्रैवल किए हैं उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, लाइक गूगल रिव्यूज है, वो चीजें वेबसाइट में दिखाना, और जो जो डेस्टिनेशन है, पैकेजेस है, उनको सेल आउट करना, ये तमाम चीजें वेबसाइट में होती है, ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट में होनी चाहिए और होती है। नाउ लेकिन खाली इसी टाइप की ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट्स नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। अगर ज्यादा एडवांस की हम बात करें तो उसमें एक सर्च फंक्शनैलिटी होगा कि आप कोई भी पैकेज सर्च करेंगे और आपको उस पैकेज की डिटेल आ जाएगी। फिल्टर्स होते हैं, आप प्राइस के हिसाब से जो पैकेजेस है उनको निकाल सकते हैं, आप सीजन के हिसाब से पैकेजेस निकाल सकते हैं कि समर, विंटर या इस टाइप का जो भी है। आपने सोलो ट्रैवल करना है, ग्रुप में ट्रैवल करना है, आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको फिल्टर करना है, लाइक दैट। ये फिल्टर और ये जो रियल टाइम ट्रैकिंग है टूरिस्ट का, उसको ये चीजें करना, तो अलग अलग फीचर्स एक वेबसाइट में हो सकते हैं। डिपेंड करता है प्लान क्या है, पर्पस क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, वही चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाएगी। नॉर्मली अगर पैकेज सेल करना है, ट्रैवल एजेंसी को प्रमोट करना है और बुकिंग हासिल करना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन आज की डेट में उपलब्ध है, मेनली किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने के दो तरीके आज की डेट में उपलब्ध है। पहला तरीका है कि आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हैं, जिनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है और कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज है, वो भी उन तरीकों का इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कस्टम डेवलपमेंट। कस्टम डेवलपमेंट का मतलब है कि हर चीज बनेगी जीरो से, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कोई टेम्पलेट्स नहीं होगा, हर चीज कोड करनी पड़ेगी। अब इनके भी आगे दो दो और तरीके हैं, हम इनको प्रैक्टिकल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि स्टैटिक, अब जो वेबसाइट्स है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर बिजनेस का अपना वेबसाइट हो सकता है, ई कॉमर्स वेबसाइट का अपना होता है, ऐसी ट्रैवल एजेंसी का अपना होगा, एजुकेशन वेबसाइट है उसका, तो हर एक वेबसाइट किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, टेक्नोलॉजी उसमें कौन सा बेटर रहेगा, वो ये डिसाइडिंग फैक्टर्स है। लेकिन मेनली मैंने दो तरीके आपको बताए, सॉफ्टवेयर और कस्टम डेवलपमेंट। अब सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं। एक है वेबसाइट बिल्डर। अब ये वेबसाइट बिल्डर क्या चीज है, ये एक पहले का बना बनाया एक सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी होस्टेड है किसी प्लेटफॉर्म पे, सर्वर पे। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो फीचर है कि आप उस सॉफ्टवेयर में जाके टेम्पलेट्स का, जो पहले से बने हैं, उनका इस्तेमाल करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसे AI टूल्स है और AI टूल्स इंटीग्रेटेड है ऐसे वेबसाइट बिल्डर में। उसमें क्या होता है कि आपको खाली जिस टाइप का वेबसाइट बनाना है वो खाली क्वेरी सर्च करना है और उस तरह का टेम्पलेट
उसमें जो जो एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, और विद इन 10 मिनट्स और 10 सेकंड्स में आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। इनका ईयरली पैकेज होता है, आपको ईयरली इनका कॉस्ट पे करना पड़ता है। इसमें आपको डोमेन होस्टिंग ये अलग से लेने का जरूरत नहीं है, यहीं पर सारी चीजें आपको उपलब्ध रहेगी। इसकी कॉस्ट 5,000 से 10,000 के बीच हो सकती है। जो फीचर्स है वो भी डिपेंड करता है कि वो जो वेबसाइट बिल्डर सॉफ्टवेयर है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है। इसकी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है या लिमिटेशंस है। दूसरा तरीका होता है सॉफ्टवेयर का ही, लेकिन ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो पॉपुलर है ऑलरेडी और काफी सालों से फ्रॉम अ डिकेड उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप ये समझिए कि एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आपको अगर वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको डोमेन और होस्टिंग पहले खरीदना पड़ेगा, और जहां जो आपका होस्टिंग सर्वर है यानी कि जहां पर आपका फोल्डर मिला है आपको डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को पब्लिक करने के लिए, उसके अंदर आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें ऑप्शंस मिलती है, थीम्स मिलती है, और हर टाइप के बिजनेस की ऑलमोस्ट हर टाइप की थीम आपको आज की डेट में मिल जाएगी। पेड थीम भी होती है, फ्री थीम भी होती है। जैसे टेम्पलेट होते हैं वेबसाइट बिल्डर में, वर्डप्रेस में थीम्स होती है। थीम्स और प्लगइन्स का ही इस्तेमाल करके एक डायनेमिक और एक हाई क्वालिटी वेबसाइट बनाई जा सकती है। इसमें बहुत से ऑप्शन है, कस्टमाइजेशन की लिमिटेशन नहीं है। अगर आप कुछ यूनिक चाहते हैं तो यू कैन आप प्लगइन्स का निर्माण कर सकते हैं, या प्लगइन डेवलपमेंट आप एक्स्ट्रा सर्विसेज ले सकते हैं और एक स्पेशल प्लगइन बनवा सकते हैं अगर आप खुद नहीं ये चीज नहीं करते हैं। तो वर्डप्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू इट। नाउ थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास जो कस्टम डेवलपमेंट में। कस्टम डेवलपमेंट में भी आगे दो प्रकार की वेबसाइट आप बना सकते हैं, एक होगी स्टेटिक वेबसाइट एंड एक होगी डायनामिक एंड एंटरप्राइज लेवल वेबसाइट। सो स्टेटिक वेबसाइट का मतलब क्या है कि एक पेज, दो पेज या पांच पेज मैक्सिमम, इसमें खाली HTML और CSS लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए और पेज को डिजाइन करने के लिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। और इसको एडिट करना या इसको अपडेट करने के लिए आपको HTML और CSS का नॉलेज होना जरूरी है। सिंगल लैंडिंग पेज के लिए या एक सिंगल पेज वेबसाइट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्डप्रेस को जहां तक की बात है वर्डप्रेस की, तो उसके लिए आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है कंप्यूटर और इंटरनेट का। वेबसाइट बिल्डर के लिए कम नॉलेज भी चल जाएगा क्योंकि खाली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी और जो सामने है वो देख के आपको वेबसाइट बनानी है। और कस्टम डेवलपमेंट जो है उसमें क्या है, हर चीज मैनुअली बनेगी, पूरा एक पर्पस होगा बनाने का, कौन सा फीचर लेना है कौन सा नहीं लेना है, यूजर एक्सपीरियंस है वो आप डिसाइड करेंगे, UI आप डिसाइड करेंगे, डिजाइन लेआउट एवरीथिंग फीचर्स, ये डायनेमिक फीचर्स होंगे। और आप किसी और जो इसका डिजाइन हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये बड़ी एडवांस हो सकती है, और इसके लिए मैक्सिमम आपको वेब डेवलपर्स हायर करने पड़ते हैं ये टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए। इसमें HTML, CSS, JavaScript जो आप फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैक एंड के लिए आप पाइथन जो बेटर है या PHP का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड साथ में इसमें डेटाबेस का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा जो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट बनाने के लिए या किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए। पहला है सॉफ्टवेयर और दूसरा है कस्टम डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर में हमारे पास है वेबसाइट बिल्डर। सबसे पहले वेबसाइट बिल्डर को देखते हैं कि वो क्या चीज है। सो वेबसाइट बिल्डर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले से बने बनाए सॉफ्टवेयर है। आज की डेट में हर होस्टिंग कंपनी या डोमेन प्रोवाइडर वेबसाइट बिल्डर साथ में दे रहे हैं। वैसे स्पेसिफिकली अगर हम देखें जो स्पेशलाइज्ड वेबसाइट बिल्डर है तो उनमें विक्स एक ऑप्शन है और दूसरा है एपेपाय जो ये एक नया बिल्डर है। इस टूल का भी बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया है। एंड अगर जो होस्टिंग कंपनीज है जैसे गोडेडी है तो वेबसाइट बिल्डर प्रोवाइड कर रही है। होस्टिंजर एक होस्टिंग कंपनी है यानी कि यहाँ पे आप स्पेस लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ऑनलाइन स्टोर, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कंसल्टेंट किसी भी टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे रेस्टोरेंट वेबसाइट हो वो बना सकते हैं। ये इनका प्राइसिंग है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगा। जैसे वेबसाइट टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं, वेबसाइट होगा वो मोबाइल फ्रेंडली होगा। जैसे ट्रैवल एजेंसी है तो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है एंड एवरीथिंग जो भी रिलेटेड है, आप ब्लॉग भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसकी अपनी प्राइसिंग है। ये प्राइसिंग वेरी भी होती रहती है, जरूरी नहीं जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम यही प्राइसिंग हो। सो प्राइसिंग चेंज होती रहती है और आपके पास ये प्लान है, ये मंथली पे होंगे लेकिन मंथली बेस्ड पे है, लेकिन आपको ईयरली ये पे करने पड़ते हैं। एंड जैसे यहाँ फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, होस्टिंग
आपको सेपरेटली लेने का जरूरत नहीं है और जो भी फीचर्स आपको चाहिए वो आपको इसमें मिल जाएंगे। वेरी यूजर फ्रेंडली होती है और आप यहाँ देखिए कि आपको क्या क्या ऑप्शंस ये उपलब्ध कराता है और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। तो ये विक्स है, यहाँ पर आपको लॉग इन करना है अगर आपने अकाउंट बना दिया। वैसे गेट स्टार्टेड पे जाके आप यहाँ पर या यहीं पर आप क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप ये वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरे टाइप का वेबसाइट बिल्डर है, क्रिएटर वेबसाइट विद प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिखना है ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट, और दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इन चीजों के इस्तेमाल के, ये आप देख सकते हैं कि अगर वेबसाइट बिल्डर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या चीज का बेनिफिट है। जैसे कोई होस्टिंग लेने का जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये पूरा ऑप्शन मिल रहा है। एक्सटेंशन आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, एड ऑन फंक्शनलिटी आप एड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं इसको टेस्टिंग के लिए देखिए साइन अप करता हूं एंड आप साइन अप कर सकते हैं या आप अलग से, मैं लॉग इन कर रहा हूं जीमेल विद जीमेल आईडी। नाउ एडिंग सुटेबल फीचर, क्योंकि हमने वहां ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट के लिए कहा था। सो ये चीज हो चुका है, लेकिन यहां पर ये जो आप देख रहे हैं यहां पर एक पॉपअप आने की कोशिश कर रहा है जो कि हैंग हो चुका है और आ नहीं रहा है। लेट्स सी, मोबाइल वर्जन में ही देख लेते हैं इसको। तो मोबाइल में ये पॉपअप इन्होंने डिसेबल रखा है। सो ये देखिए यहाँ पर कंटेंट कहाँ पर इमेज ऐड करना है और जो भी टॉप चीजें आपने दिखानी है वो आपके सामने तैयार होगी। नाउ यहाँ पर आपके पास आ गया पर मंथ आपको 699। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि है वर्डप्रेस। अब हम वर्डप्रेस भी दो प्रकार का है, एक वेबसाइट बिल्डर है और एक आपका wordpress.org ये सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, जहां से भी आपने होस्टिंग लिए वहां पे आप सिंगल क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक तरीका है, ये तब है अगर आप खुद ये बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको हायर करते हैं किसी एजेंसी को, तो उसके लिए मैं अलग से डिटेल शेयर करूंगा फिर जो जो चीजें जरूरी है। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पहले जो भी इनका इंट्रोडक्शन है, यहां से आप प्रोडक्ट्स और फीचर्स चेक कर सकते हैं जो wordpress.com में है। ये भी वेबसाइट बिल्डर है, जिस तरह का ये है वैसी तरह का wordpress.com है, कुछ फीचर्स में डिफरेंस होगा। जो इस वीडियो में रिकमेंडेड किया गया है वो है वर्डप्रेस। इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये है कि वर्डप्रेस जो है इट्स अ बेटर सॉफ्टवेयर। नाउ कस्टम डेवलपमेंट जो है उसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कोड एडिटर चाहिए, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड आपको लेना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको, आप जैसे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे या आप पाइथन का इस्तेमाल करेंगे, तो उस तरह से आप अलग अलग करके एक पूरा फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके कस्टम डेवलपमेंट होगा। हाँ, स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो खाली आप HTML और CSS का इस्तेमाल करके वो चीज बन जाएगी, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके लिए कोड एडिटर और आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने कस्टम पूरा का पूरा वेबसाइट आपको जीरो से बनाना है, अपने लेवल से बनाना है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास ऑप्शंस उपलब्ध है इसमें जो बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा वो है वर्डप्रेस, चाहे आप खुद बनाएं चाहे आप किसी को हायर करें। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो इस पोस्ट में आपको नजर आ जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप एक बार जरूर पढ़े और एक एक करके आप ये फीचर्स चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में, जैसे मान लीजिए ब्लॉगिंग से ट्रैफिक जनरेट करना है तो क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ये यहां पर शेयर किया गया है, आप प्लीज इसको एक बार जरूर चेक करें। टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि आसानी से चीजें की जा सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इतना एडवांस है तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों में क्यों पड़े। बेटर क्या है कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है। वर्डप्रेस में आपने देखा कि वर्डप्रेस में आपको खाली डोमेन और होस्टिंग लेना होता है, उसके अलावा एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स को हायर करते हैं दैट्स अ ग्रेट, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड उतना बजट लेके आपको चलना पड़ सकता है कि 10,000 to 15,000 और 15 to 20,000, डिपेंड करता है जो वेब डेवलपर्स है, जो वर्डप्रेस डेवलपर्स है वो कितना आपसे चार्ज करते हैं। नॉर्मल वेबसाइट आप 4-5 हजार में बनवा सकते हैं, और यहां तक की बात है कि आज की डेट में वेबसाइट फ्री में भी बनती है, लोग 200 रुपए में भी मार्केटिंग कर रहे हैं कि वेबसाइट बनाइए। 200 रुपए की वेबसाइट से 2 लाख का बिजनेस करना, मतलब आप खुद समझ सकते हैं। हर एक चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, कोई चीज किस लिए प्रमोट की जा रही है, क्या चीज को आगे किया जा रहा है। और ऐसी बहुत से मैंने केसेस देखे हैं जहां पर ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसीज की जो वेबसाइट्स है, वेबसाइट तो बना देते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाती, मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटजी नहीं है और इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। एंड होता क्या है कि जो ट्रैवल एजेंसी ओनर्स है वो बहुत बार मिसगाइडेड हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं,
और क्योंकि वो नए हैं तो कोई भी उनको कुछ भी चिपका देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने गोल्स क्लियर हो। आपने देखा कि वर्डप्रेस में क्या क्या बेनिफिट्स है, लेकिन इतना बेनिफिट्स लेने के लिए सामने वाला तैयार होना भी चाहिए, वो प्रिपेयर भी होना चाहिए कि आपको इतना इसमें कॉस्ट लगेगा। क्योंकि जब आप एक बिजनेस करेंगे तो जब आपने ये डिसाइड कर दिया है देन यू हैव टू डू दैट बेस्ट, आपको वो अच्छे से करना होगा और जो भी बेस्ट ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करना होगा और हर दिन आपको क्रियाशील रहना होगा, तब जाके होगा। क्योंकि ट्रैवल एजेंसी ट्रैवल इंडस्ट्री में हम देखें तो कंपटीशन है, हर तीसरा पर्सन हर चौथा पर्सन टॉप 5 में आना चाहता है। ये तो पर्सन की बात है, लेकिन यहां कंपनीज है जहां जिनके पास टीम बड़ी बड़ी टीम है। आप नए हैं, एक आदमी है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन एक एजेंसी शुरू कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी, एंड गेटिंग बुकिंग्स ऑनलाइन इज नॉट इजी। या तो आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा या आपके पास एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और समय होना चाहिए और थोड़ा बजट होना चाहिए ताकि आप सही स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्ट कर सके। आपके पास एक छोटी टीम हो भले ही, लेकिन उसमें वो आपके उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। वो जो प्लान बनाया हो वो आपने एक्सपर्ट के साथ मिलके बनाया हो, तब जाके सारी चीजें की जाती है। और इट्स नॉट डिफिकल्ट थिंग कि भाई हम नहीं कर सकते अगर ऑलरेडी कंपटीशन है। जहां कंपटीशन है मजा काम करने का उधर ही है। सो यू कैन गो फॉर द कंपटीशन, लेकिन सबसे बेस्ट आपने ये देखना है कि आपके लिए टेक्नोलॉजी कौन सा इजी है। यू हैव टू मेक डील विद वेबसाइट डिजाइनर डेवलपर जो उस वेबसाइट्स को अपडेट करेंगे, या आपके मार्केटिंग टीम है वो उसको रेगुलरली अपडेट करेगा, क्योंकि प्लगइन्स या थीम्स को अपडेट करना जरूरी होता है या नया कंटेंट उसमें डालना जरूरी होता है। जैसे कि ब्लॉगिंग का जो मैंने आपने ये पोस्ट देखा उसमें हर चीज डिटेल में शेयर की है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके और इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप एक बेस्ट वेबसाइट बना सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है वर्डप्रेस, लेकिन आपके पास एक एक प्लान होना चाहिए और एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको लेके चलना पड़ेगा। और टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, या टेक्निकल सपोर्ट आपके पास है तो अगर जहां जरूरत है वहां पूछें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।